बिल्डिंग NMI में से थोड़ी बेटर लग रही है बोल रहा हूँ मैं और बोलूँ नॉट बैड कैंपस मुंबई के हिसाब से बेकार नहीं था। ओहे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज हर्षित, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भैया ये कैंपस टू व्लॉग है, NM कॉलेज हो गया आपका एंड इवन आपका मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया जो कि NMIMS के इंजीनियरिंग में आता है। तो जैसे कि मुंबई के सारे कैंपस होते हैं एंड इसका मैंने टाइटल रियलिटी ऑफ मुंबई कैंपस रखा है क्योंकि देखो मुंबई के जितने भी कॉलेजेस में सब कॉलेज मिक्स रहते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो कि इस एरिया में आता है जुहू विरले पार्ले साइड में। आपका साउथ बॉम्बे में जब लाइक जो कॉलेजेस हैं तब भी उनमें सेपरेट बिल्डिंग्स हैं, छोटी हैं सेपरेट है, लेकिन इधर तो भैया एक बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे कॉलेज कंबाइंड रहते हैं। जो आपका मेरा जो NMIMS है SMSS है उसमें आपका मेठीबाई है, UPG है एंड सिमिलरली NM कॉलेज में आपका भगुबाई कॉलेज है, NM कॉलेज एंड साथ साथ में NMIMS के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी होते हैं। भैया एक दो और कॉलेज हैं जो कि मुझे नहीं पता हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मैं अगर कैंपस की बात करूँ अच्छा था, नॉट बैड। देखो NM कॉलेज के इसमें 4th, 6th, 7th फ्लोर थे एंड 5th में आपका लाइक ऑफिस वगैरह था, मतलब क्लासरूम डिपेंड करता है, सारी एक जैसी नहीं है, कुछ बहुत अच्छी जैसे आपको दिख रही हैं वैसी भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं, कुछ बहुत बेकार भी हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आपको कौन सी मिल रही है, इट्स ऑल अपॉन योर लक, ठीक है। कोर्स वगैरह कौन सा है, आपका ईयर कौन सा है। लिफ्ट की बात करूँ, लिफ्ट भी मतलब अच्छी थी, नॉट बैड, मतलब स्पेशियस थी एंड मॉडर्न लिफ्ट थी, ऐसा नहीं पुरानी सी है कुछ भी है, तो हाँ लिफ्ट में तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। बात करूँ ओवरऑल तो मुझे ये जो कैंपस था बेटर लगा आपका मेठीबाई बिल्डिंग वाले से, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, यही है। बट हाँ जैसे कि मुंबई में स्पेस कम है, बिल्डिंग शेयर होती हैं, एक एक फ्लोर होता है, तो ये कैंपस एज सच इसका भी बहुत लैविशिंग कुछ नहीं कह सकते, कैंपस लाइफ इधर भी नहीं है वो, तो ठीक है कि हाँ 2-3 फ्लोर हैं लेकिन हाँ उसका इंटीरियर वगैरह अच्छा है तो ठीक है, उसको कैंपस एवरेज में डाल दिया। बट जो लोग अगर मुंबई आने की सोच रहे हैं उनको ये रियलिटी बताना चाहूँगी, इधर आपको कुछ कैंपस नहीं मिलना, आपको कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह एज सच कुछ भी नहीं मिलने वाला है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये बिल्डिंग NMIMS से थोड़ी बेटर लग रही है एंड बोल रहा हूँ मैं एंड वी आर पेइंग मच हायर फीस देन NM, बट ठीक है, नाइस बिल्डिंग, क्लासरूम्स आर ऑल्सो बेटर। अभी इनकी क्लासेस चल रही है, इनका क्या जूनियर कॉलेज भी है, सीनियर कॉलेज भी है, तो क्लासेस सारी ऑक्यूपाइड रहती हैं जनरली, क्योंकि मुझे खाली क्लासरूम दिख नहीं रहा है। तो वैसे एक ऐसी चीज़ बताऊँ, देखो ये उमंग जो आपको दिख रहा होगा ये सराउंड का सेटअप है, ये कॉलेज फेस्टिवल NM का, तो उसका भी अभी कॉलेज फेस्टिवल हुआ तो उसका ब्लॉग आ रहा है, बहुत अच्छा बना है। तो देखो जो मुंबई के कॉलेज होते हैं उसमें फेस्ट का बहुत ज़्यादा होता है कि हाइप्ड अप रहता है एंड वही मेन रहता है, तो हाँ अगर आप आ रहे हो ज्वाइन करने सोच रहे हो तो आप किसी भी कॉलेज में आओगे मुंबई का उसका फेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना, जो फेस्ट की टीम होगी, फॉर एग्जाम्पल मेठीबाई का क्षितिज, NM का उमंग एंड आपका IIT बॉम्बे का मूल इंडिगो, जेवियर्स का मल्ला, ठीक है। तो हाँ बस यही था और कुछ एज सच कैंपस में मुझे बहुत अलग नहीं दिखा। आपकी ई लाइब्रेरी वगैरह थी, वो भी इतनी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत बुक्स नहीं थी, हाँ लेकिन ठीक है लाइब्रेरी वगैरह थी। कैंटीन थी, कैंटीन आपको 2-3 मिल जाएंगी ऑब्वियसली डिफरेंट कॉलेज तो आप एंटर कर सकते हो, जैसे NM की कैंटीन थी, एक भगुबाई कॉलेज है उसकी भी कैंटीन थी। आपका NMIMS ऑब्वियसली यू कांट एंटर, देखो अभी आपको मुकेश पटेल भी दिखाऊंगा तो उसमें एंट्री नहीं मिल सकती, आप अगर NM वगैरह के आपको NMIMS के कार्ड दिखाऊंगा, जैसे मेरे को मिल गई क्योंकि मेरे पास NMIMS का कार्ड था, कोई भी लाइक चलेगा कॉलेज है लेकिन NMIMS का कार्ड होना चाहिए। बाकी गेम्स एरिया वगैरह था थोड़ा बहुत, TTVT और कुछ ऐसा सच नहीं था, हाँ लेकिन वाइब बन रही थी। ये आपकी कैंटीन है, कैंटीन मुझे अच्छी लगी, नॉट बैड, मतलब अगर मैं आपको मेठीबाई कैंपस की कैंटीन से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये ऑप्शंस थे एंड लाइटिंग वगैरह इंटीरियर भी अच्छा था, प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है फेस्ट की, डांस टीम की, क्योंकि इसमें मतलब मैंने देखा बॉम्बे कॉलेज में यही है ज़्यादातर आपका फेस्ट वगैरह, आपका कल्चरल क्लब्स वगैरह उनका ही ज़्यादा चलता है इन्वॉल्वमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह ऐसा सच नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे गंदा हमारे कैंपस है SMSS का,
स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो मुकेश पटेल है बीटेक की, उधर आ रखा हूँ. रियली अच्छा कैंपस है, नॉट बैड. गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप सबको ओसवाल गुरुकुल अकाउंटेंसी मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12th एग्जाम 2023 के बारे में बताना चाहूंगा. तो आप में से काफी लोग अभी क्लास 12th में होंगे एंड आपने लाइक बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे होंगे, तो मैं उनको ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा. बहुत ज्यादा अच्छी बुक है. तो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन नाउ राइजेस दैट व्हाट मेक्स दिस सीबीएसई अकाउंटेंसी क्वेश्चन बुक सो पॉपुलर. सो वेल द रीजंस आर द चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दैट इंक्लूड बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रेगुलरली एंड बिकम एग्जाम रेडी. एंड द आंसर्स टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइडेड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशंस टू हेल्प क्लेरिफाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड देयर आर केस बेस्ड क्वेश्चंस दैट आर इंक्लूडेड टू डेवलप एंड इंप्रूव द स्टूडेंट्स एनालिटिकल पावर एंड क्रिटिकल थिंकिंग. एंड ऑल्सो देयर प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस दैट एनेबल द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. गाइस मैं तो डेफिनेटली बुक को रिकमेंड करूंगा, आपके लिए बहुत अच्छी बुक है. एंड ऐसे में कुछ भी बोल रहा हूं, मैंने खुद एनालाइज किया, देखा है, तभी रिकमेंड कर रहा हूं. एंड डू चेक आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक डाल दूंगा. आप कैसे परचेस कर सकते हो उस वार की डायरेक्टली साइट से कर सकते हो या फिर आप अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हो. सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे. सो डू चेक आउट राइट नाउ. बस गाइज ये थी कैंपस टूर. मतलब ओवरऑल ये बाहर से ऐसा दिखता है आपको, मतलब सारे कॉलेजेस कंबाइंड एन एम एस की साइड की बिल्डिंग है, देखो आपको दिख रहा हूँ इंजीनियरिंग वगैरह की. तो ये बाहर से है, ये आपको मैं थोड़ा भगुआ है जो कॉलेज में बता रहा था उसका दिखा रहा हूँ एंट्रेंस वगैरह. एंड मैं सोचा उसकी भी कैंटीन वगैरह आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको सारी कैंटीन का आइडिया लग जाए. इसकी कैंटीन भी ओके ओके थी, बहुत बड़ी नहीं थी बट ठीक है, नॉट बैड थी. मतलब इनका इंटीरियर वगैरह अच्छा रहता है एंड ऑप्शन अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं इसको ठीक कंसिडर कर लेता हूँ. मतलब जो हल्दीराम वगैरह होता है वैसे टाइप की कैंटीन्स रहती है. तो गाइस अभी मैं आया लाइक अपने हॉस्टल वापस. तो एनएम कॉलेज आपका था, उसकी बिल्डिंग मुकेश पटेल हो गया, साथ में डीजे सांगवी कॉलेज, सबकी बिल्डिंग एक थी, सब कुछ कवर किया. तो पर्सनली बोलो तो अच्छा कैंपस है एनएम का. ऑब्वियसली कैंपस इन सेंस की अगर मैं खुद एनएम आया हूँ तब बता रहा हूँ कि मीठी भाई जो बिल्डिंग है हमारी उससे बेटर बिल्डिंग लगी, नई है, क्लासरूम वगैरह अच्छे हैं एंड कैंटीन बढ़िया लगी मुझे, बेटर थी काफी. हाँ लेकिन ऑब्वियसली अब बाकी आप ऑल ओवर इंडिया को कंपेयर करोगे कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह नहीं है, वही दो क्लब मतलब तीन फ्लोर्स है टोटल एनएम कॉलेज के. आपका फोर्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, ये तीन फ्लोर एनएम कॉलेज के. फिफ्थ पे आपका एडमिन ऑफिस है, बाकी मुकेश पटेल की अलग से लाइक एक एंट्री है जहाँ पे मैं गया था, तो वो मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डीजे सांगवी भी फिर अलग कॉलेज बन गया. और बोलूँ नॉट बैड कैंपस, मुंबई के हिसाब से बेकार नहीं था, अच्छा था कैंपस, क्लासरूम वगैरह अच्छे थे, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी था. बट या अगर आप ऑल ओवर इंडिया कंसीडर कर रहे हो तो कैंपस बहुत लैविशिंग भी नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऐसे, ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, जो कि मतलब बॉम्बे में स्पेस ही नहीं है इतना.